संयुक्त संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष शमसुल हसन बल्ली ने बताया कि दिल्ली में जो हत्याकांड हुआ है वह बेहद ही शर्मनाक है और NRCAF आना चाहिए। उस शर्मनाक घटना है, देश के मुंह पे स्याही पोतने जैसी घटना हुई है। ऐसी घटना नेहत्ते नौजवान छात्र छात्राएं इस धरने पे NRC के CA के ख़िलाफ़ बैठे थे। ये प्री प्लान उन पर बच्चों पर गोली चलवाना, ये सरकार की नाकामी है। देश के गृह मंत्री को इस्तीफ़ा देना चाहिए और ऐसे मंत्रियों को, सांसदों को, जो पूरे देश का माहौल ख़राब करने पे तुले हुए हैं, ऐसे लोगों को अविलंब राष्ट्रपति जी को हस्तक्षेप करना चाहिए और इन लोगों की भी गिरफ्तारी होना चाहिए। कि एक नौजवान बच्चे से गोली चलाकर ऐसे ऐसे दिन, जिस दिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि थी, ऐसे समय में गोली चलवाना, और ये इसमें कहीं ना कहीं सरकार की मिलीभगत है, साजिशन ये गोली कांड हुआ है। इसमें जो भी हो, सांसद हो या गृह मंत्री हो या देश का कोई भी लीडर हो, उसको अविलंब गिरफ्तार कर जेल में दाखिल करना चाहिए। और देश से समय मैं प्रधानमंत्री से मांग करूंगा कि अविलंब जो CAA को लेकर पूरे देश में, पूरे दुनिया में उत्पात मचा हुआ है, ऐसे कानून को, काले कानून को वापस लें, जिससे कि देश की गंगा जमुनी जो तहजीब है वो बरकरार रह सके।